हम अभी यहाँ आ रहे थे ना, तो एक पान का दुकान के बाहर स्टिकर लगा हुआ था, उस पे लिखा हुआ था MBA, वही पढ़ के आए हैं। अरे तुम तो हमको कंफ्यूज ही कर दिए थे। हमारा कहने का मतलब है, कहाँ तक पढ़ाई किए हो? देखिए चाचा, हम स्कूल तो जाते थे, सुबह में पढ़ के आते थे, शाम में सारी चीजें भूल जाते थे। तो पापा बोले तुम सुबह में पढ़ते हो, शाम में भूल जाते हो, इससे अच्छा पढ़ाई छोड़ दो। और पापा बोले कि अब जब पढ़ाई छोड़ रहे हो तो कोई काम धंधा करो। तो हम बोले पापा हम काम धंधा नहीं करेंगे, हम खिलौना से खेलेंगे, काहे कि हम बच्चे हैं। तो हमारा पापा ठहरे व्यापारी आदमी, बोले काम करो बच्चा, ये लो खिलौना, सुबह में से खेलो, शाम में बेच देना। इसी तरीके से रोज दो चार खिलौना सुबह में खरीदना, पूरा दिन खेलना, शाम में मार्केट निकलना और बेच देना। और उससे क्या होगा कि तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम दो पैसा कमा भी लोगे। और शाम में इसलिए बेचने बोले कि शाम में धूप नहीं रहता है ना, हम काला नहीं पड़ेंगे। ऐसे देखिए हम कितना काला हो गए हैं, हुए कि नहीं काला? अच्छा तो कितना कमा लेते हो ये खिलौना बेच के तुम? देखिए चाचा, इतना कमा लेते हैं ना कि आप जैसा लोग को अपने नौकरी पर रख सकते हैं। लेकिन पापा जी बोले हैं कि ज्यादा किसी के सामने दिखावा मत करना, कहा कि पैसा वाला लोग के ऊपर इनकम टैक्स का नजर रहता है। इसीलिए पापा बोले कि ऐसा काम करो कि किसी के नजर में नहीं आओ, और कंबल में छुप कर देसी घी पियो। आपको भी कभी देसी घी पीना हो ना, एक कटोरा हमारे पास है, ये कंबल में छुपा कर पिलाएंगे आपको भी, बढ़िया देसी घी। देसी घी का भाव मालूम है ना आपको? वो कौन पिला सकता है, जो रईस होगा जिसके पास माल होगा वही ना पिला सकता है आपको। अच्छा तो तुम इतना कमा लेते हो खिलौना बेच के कि हमको तुम नौकरी पे रख सकते हो? हमारा सैलरी मालूम है तुमको हम कितना लेते हैं? 50,000 रुपया। अच्छा चाचा, ये माइक पकड़ के घूमने का और कैमरा पकड़ के घूमने का कंपनी आपको 50,000 रुपया देता है, बहुत ज्यादा देता है। हम सोचे आप 100% कमाते होंगे, इसीलिए बोले नौकरी पर रख सकते हैं। इतना औकात नहीं हमारा 50,000 रुपया दें आपको, उतना आपका औकात है तो हमको दे दीजिए। खिलौना नहीं बेचना होगा, फैक्ट्री खोलेंगे तब हम खिलौना का, बढ़िया नौकर रखेंगे, वो लोग बेचेगा। अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम कंबल में बैठ के घी पीते हो, वो भी देसी घी। अरे देखिए हम फल फ्रूट सब्जी वब्जी नहीं खाते हैं, देसी घी में बहुत ताकत होता है। एक कटोरा रोज देसी घी खरीदते हैं, 2 रोटी खाते हैं देसी घी के साथ। तो तुम दिन भर का कितना कमा लेते हो ये खिलौना बेच के? 100-125 रुपया हो जाता है। 100-125 में तुम्हारा घर चल जाता है? नहीं चाचा, 100-125 से कैसे घर चलेगा, हमारा एक तो साइड बिजनेस और है, वहाँ से भी कमाते हैं। अच्छा तुम और भी कहीं से पैसा कमाते हो? कहाँ से कमाते हो पैसा? अरे काला कद्दू, कहाँ से तुम पैसा कमाते हो? और हमको तो नहीं पता, लाइफ फैंटेसी में तो पूरा फेल दी है। और पता है चाचा, गेंजी पे और भी बढ़िया बढ़िया गेम्स है, जैसे कैरम, पूल, स्नैक एंड फ्रूट स्लाइस, रन बॉय रन भी, जो खेल कर और भी पैसे कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। अरे बाबू ये बताओ, गेम्स खेलने का पैसा कौन देता है? हम तो जब भी गेम्स खेलते थे बचपन में तो पापा हमको पटक पटक के मारते थे। अरे यही तो खासियत है गेंजी का, खेलने के लिए बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लो और शुरू हो जाओ। ऐप ज्वाइन करते ही आपको मिलेगा 50 रुपए का साइन अप बैलेंस और 500 के डिपॉजिट पर 1,000 रुपए, कोड है YT1000। अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, एंटरटेनमेंट के साथ पैसे कमाने का मौका मिल रहा है यहाँ। और पता है यहाँ एंट्री फी भी बहुत कम है और प्राइस है बहुत अच्छा, घर बैठे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो भी गेम्स खेलते खेलते। मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, इससे टाइम टू टाइम आपको ऑफर्स मिलेंगे। अच्छा अच्छा वो तो हम डाउनलोड कर लेंगे। तुम पहले ये बताओ, इस उम्र में तुम यहाँ खिलौना बेच रहे हो, सही कर रहे हो? इस उम्र में तुमको स्कूल जाके पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए चाचा, हमारा पिताजी हमको सिखाए हैं कि जिंदगी का पढ़ाई करना है तो मार्केट में बचपन से उतर जाओ, इतना पढ़ लोगे ना जिंदगी का पढ़ाई कि वो किताब का पढ़ाई कोई काम नहीं आएगा तुम्हें। अरे तुम्हारा बात बिल्कुल सही है कि जिंदगी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन ये कौन कहता है कि किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए? अगर तुम्हारे पास किताबी ज्ञान होगा और जिंदगी का एक्सपीरियंस होगा तो तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, एक चीज होने से थोड़ी ना कुछ होता है। अच्छा तुम्हारा उम्र कितना है? चाचा 12 साल का है हम। अच्छा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा जुआ खेलते हैं। मतलब तुम कमाते हो और तुम्हारा बाप जुआ खेल के पैसा उड़ा देता है तुम्हारा? नहीं 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 चाचा, पापा पैसा उड़ाते नहीं है, जुआ में बहुत पैसा कमा के लाते हैं, आज तक कभी जुआ में हारे नहीं है, रोज 5,000 रुपया कमाते हैं जुआ में। और कभी जो हार गए उस दिन क्या होगा? अरे क्या होगा चाचा, अभी भी हम लोग जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे हैं रोड पर, उस समय भी रोड पर जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन जब तक कमाई मिल रहा कमाई खाए ना बढ़िया से। अच्छा तुम्हारी माँ क्या करती है? मम्मी खाना बनाती है और झाड़ू पोछा करती है। किसके यहाँ बनाती है? अरे अपना घर में बनाती है और किसके यहाँ बनाएगी खाना। ओ, अच्छा अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब है हाउस वाइफ है? नहीं नहीं हमारा पिताजी का वाइफ है, ये हाउस कौन है जिसका वाइफ
अपनी मम्मी को। अरे हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो। अच्छा ये बताओ तुम आगे के बारे में क्या सोचे हो। क्या क्या आगे के बारे में क्या सोचना है? आग के यहाँ से फ्री हो के आगे जाएंगे और भी खिलौना बेचेंगे, इसमें सोचने जैसा क्या है? अरे हमारा कहने का मतलब है कि बड़े होकर क्या बनोगे, कुछ सोचे हो या फिर यही खिलौना बेचोगे तुम? बड़ा होके ना हम गुंडा बनेंगे। अरे काहे गुंडा काहे बनना चाहते हो बड़े होके, लोग तो हीरो बनना चाहता है। अरे हम फिल्म सब में देखे हैं, गुंडा लोग जो होता है ना उस लोग के पास बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होता है उस लोग का, बड़ा बड़ा लोग से जान पहचान होता है, मंत्री से संतरी से सबसे जान पहचान होता है, हीरो लोग भी मंगा होता है, इसीलिए हमको गुंडा बनना है, पैसा रहेगा हमारे पास भी। अरे तुमको ये सब गलत सलत कौन सिखाया है, ऐसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम तुम पूछे ही नहीं। हमारा नाम काला कद्दू है। अच्छा तो बताओ काला कद्दू, ये जो दिन भर तुम कमा लेते हो यहाँ खिलौना बेच के, तो पैसा जाके अपना माँ बाप को देते हो या फिर अपने ऊपर खर्च कर लेते हो? अरे आपको ये बात तुम पहले ही बता दिए कि रोज एक देसी घी का कटोरा खरीदते हैं और पीते हैं, तो सोचिए ना पैसा मेरा खर्चा होता होगा कि नहीं, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो भी अपने ऊपर ही खर्चा करते हैं। कमाएंगे हम तो खिलाएंगे दूसरा को खाए। अरे माँ बाप को खिलाना तुम्हारा फर्ज है कि नहीं, वो लोग तुमको पाला पोसा है। अरे कहाँ पाला पोसा है, बचपन से हम अपने कमा रहे हैं अपने खा रहे हैं, तो हम अपने ऊपर ना खर्चा करेंगे, वो लोग अपने कमा रहे अपने खा रहे हैं। हम लोग के घर में एक सिद्धांत है, जो काम करना खुद करो खुद कमाओ खुद खाओ। खाली माई को हमारा बाबूजी खिलाते हैं, ताकि वो खाना बना कर देती है, उससे भी काम बढ़िया से निकलवाते हैं, जितना खिलाते उतना काम भी करवाते हैं बाबूजी। अच्छा ये बताओ जो पैसा बचता है वो कहाँ पे खर्च करते हो तुम अपने ऊपर? बढ़िया बढ़िया फिल्म देखते हैं हम पर डे जाकर। तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? अरे हमारा फेवरेट हीरो है मंगलू, कद्दूपुर का बहुत बढ़िया हीरो है वो, उसका एक बहुत बढ़िया गाना आया था, वो हमारा बहुत फेवरेट है। हाँ तो बाबू गा के सुना। खिलौना बेच रहे हैं आगे भी बेचेंगे, पीछे नहीं देखेंगे हम, हो धंधे दी कसम यारा धंधे दी कसम, पापा ने खुलवा दिया बिजनेस मुझको ऐसा, जिसमें मिलता है मुझको बहुत पैसा, रहने को नहीं है कोई ठिकाना, बाप मारता है रोज हमको ताना, रो रो के आंसुओं के दाग धुल जाएंगे, भोरे होते ही धंधे पर निकल जाएंगे, और आप जैसे भकुए हमारा टाइम पास करने आएंगे। अरे तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम हमको भकुआ बोलता है? नहीं लेना हमको तुम्हारा इंटरव्यू, बेचो खिलौना बैठ के रोड पे, तुम इसी के लायक हो।